नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सबको फिर से स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज फोटो कॉपी मशीन का जो एडीएफ का सेटिंग है, एडीएफ से आप जो प्रिंट करते हैं, एडीएफ से आप प्रिंट करते वक्त जो गलत प्रिंट निकलता है, साइड से कट जा रहा है, ऊपर से कट जा रहा है या नीचे से कट रहा है, जो कट जा रहा है, ये एक बहुत सा बड़ा प्रॉब्लम है। सबका मशीन में ही ये प्रॉब्लम है। ये मशीन का सोल्यूशन हमने निकाला है, जिससे कि आप सबका सोल्यूशन हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडीएफ का प्रॉब्लम। तो एडीएफ का प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हम कर दिया। एडीएफ मतलब ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर को हमने सॉल्व किया है। तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आप भी इस सेटिंग कर लेते हैं तो आपका फोटोकॉपी मशीन से आप क्लियरली इस तरीके से फुल पेज में आपका फोटोकॉपी कर पाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, तो आपका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हम दिखा दे, देखिए यहाँ पे A4 ट्रे जो यह है, यहाँ पे ट्रे को आपको दिखाना है हमको। ये जो ट्रे यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का अलग अलग ट्रे यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए A4 ट्रे, A5 आर और ट्रे लेटर और लेटर आर, ये चारों ऑप्शन का इसमें सेटिंग रहता है। मतलब A4 आर का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ लेटर और लेटर आर, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में लेटर और लेटर आर ही चलता है। यहाँ पे लेटर और लेटर आर दिया गया है और A4 A2 सेटिंग दिया गया है। तो A4 का सेटिंग यहाँ पे A4 आर का हिसाब से नहीं है। तो आपको यहीं से सेटिंग करना है। तो क्या है सेटिंग, जिस सेटिंग का आपको दिखाना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ का सेटिंग जो है, सेटिंग को हम उड़ा देंगे। तो चलिए हम सेटिंग को उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको मशीन को जो रीसेट करने का जो तरीका है, रीसेट हम कर देते हैं। तो चलिए मशीन को हम रीसेट कर देते हैं। मतलब रीसेट करने का जो तरीका है आप लोग जानते ही है, थोड़ा हम वीडियो को फास्ट कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 2-4 सेकंड टाइम लेगा, ये जो ब्लैक है वो वाइट होगा तब तक। तो देखिए मशीन शट डाउन हो गया। शट डाउन होने का जो सिस्टम है, जो थोड़ा टाइम लगता है, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो देखिए मशीन ऑन हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे एडीएफ में जो आपका पेज सेटिंग रहता है, पूरा सेटिंग आपका नया हो चुका है, उस हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी फोटोकॉपी करते हैं तो आपका वो फोटोकॉपी क्या होता है, तो हम आपको दिखाते हैं, जो आपका भी डॉर में ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर हम एक फोटोकॉपी करते हैं, जिस फोटोकॉपी से यहाँ पर एक तो पेज दिया, देने के बाद हम डॉर में ड्रॉयर में हम आपके एक बार दिखा दें ड्रॉयर में कौन सा पेज रखा गया है, किस हिसाब से रखा गया है। यही हिसाब से हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे A4R करके पेज को रखा गया है, A4R करके पेज को रख के हम फोटोकॉपी कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पेज ड्रॉयर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पेज अभी शो नहीं किया क्योंकि ड्रॉयर में पेज लिफ्टिंग हो रहा है। तो लिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे शो करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डन हो जाएगा, तो डन करना है आपको। देखिए डन हो चुका है, इसको डन कर दिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने पेज को दिया है, एडीएफ पे पेज को दिया है, जिससे कि हम अभी फोटोकॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंसर सेंस कर लिया है मैंने। यहाँ पे स्टार्ट बटन में स्टार्ट दिया और देख लेते हैं आपका यहाँ पे किस तरीके का फोटोकॉपी बनता है। ये देखिए आपका ये जो सेटिंग है, आपके इस तरीके का फोटोकॉपी बना है। ये जो फॉल्ट है, बहुत सा बड़ा प्रॉब्लम है हम इंडिया में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो सेटिंग है, ये अदर्स कंट्री का हिसाब से सेटिंग फोटोकॉपी मशीन में बनाया हुआ रहता है। तो जो भी हो,
तो ऐसा हो जाता है, अगर आपका मशीन में ऐसा होता है तो इसका सेटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, A4 पेज का जो प्रोग्राम डालना है या लेटर पेज का प्रोग्राम डालना है या जो प्रोग्राम डालना है उस प्रोग्राम को यहाँ पे डालना है, जिससे कि आपके ADF से जो प्रिंट करते हैं वो साइड से कट जा रहा है, सर से कट जा रहा है, नीचे से कट जा रहा है, वो जो कट जा रहा है उसका नहीं कटेगा। तो चलिए हम उसका सेटिंग करके दिखाते हैं कौन सा वो सेटिंग है जिस सेटिंग से आप अगर फोटोकॉपी करते हैं तो आपका वो कटेगा नहीं। तो चलिए हम उस सेटिंग को आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एडिशनल फंक्शन 28 एडिशनल फंक्शन देने के बाद आपको यहाँ पे फीटर में जाना है। फीटर में जाने के बाद आपको फंक्शन में प्रेस करना है। फंक्शन में प्रेस करने के बाद यहीं पे आपका मेन सेटिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर A4 ट्रे है। देखिए ट्रे A4 ट्रे में ये जो ट्रे है ट्रे में आपको A4 सिलेक्ट करना है। तो A4 पेज के हिसाब से यहाँ पे चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये A4 पेज है। A4 पेज को यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए। ये जो स्लॉट है इस स्लॉट का आगे पीछे करके आप A4 पेज के हिसाब से यहाँ पे स्लॉट से सेट करके यहाँ पेज को अंदर कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए सेंसर आपको जल उठा है। जल उठ जाने के बाद A4 जो ट्रे है A4 ट्रे को टच करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो ओके कर देने से यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट होगा और ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ, ओके हो गया, मतलब इसका प्रोग्राम मशीन में इसका प्रोग्राम डाल दिया गया है। जो इस ट्रे में पीछे में एक मशीन बैठाया गया है जिस मशीन से इसको प्रोग्राम डाला जाता है। तो इसको A4 पेज का प्रोग्राम मैंने डाल दिया। आप क्या है यहाँ पे ट्रे A5R को आप प्रोग्राम डालना है। A5R है, A5R किसको कहा जाता है, A4 पेज का अगर दो हिस्सा करते हैं तो ये साइज बनेगा जो साइज है A5R, तो इसको A5R कहा जाएगा। अगर ऐसे रखते हैं तो A5 कहा जाएगा और ऐसे रखते हैं तो A5R कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ट्रे A5R बोला जाता है। तो A5R में इस पर टच कीजिए। टच करने के बाद यहाँ पे स्लॉट को ADF का जो स्लॉट है इस स्लॉट को आगे पीछे कर देखिए स्लॉट को आगे पीछे करके यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। तो चलिए हम इसको सेटिंग करके इसको बैठा देता है। देखिए ये पूरा सेटिंग हो चुका है। बराबर सेटिंग आपको देखना होगा कि थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेटिंग से यहाँ पे बैठाना है। बैठाने के बाद यहाँ पे जो सेंसर है सेंसर में देख लेना होगा कि सेंसर शो करता है कि नहीं। सेंसर शो कर लिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ओके कर देना है। ओके कर देने से यहाँ पे देखना पड़ेगा तो ओके होता है कि नहीं। इसका ओके कर दिया तो देखिए स्टार्ट होने के बाद यहाँ ओके बन चुका है, मतलब इसका भी प्रोग्राम डाला हो गया। तो चलिए इसका बाद जो प्रोग्राम डालना है आपको लेटर को प्रोग्राम LTR का प्रोग्राम डालना है। तो चलिए LTR का प्रोग्राम आपको डाल देते हैं। तो इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद आप LTR का प्रोग्राम डालना है। तो LTR पेज को आपको हम दिखा देते हैं। A4 से थोड़ा छोटा पेज जो होता है उसको LTR बोला जाता है। तो देखिए ये A4R से थोड़ा छोटा पेज है, यहाँ देख लीजिए बड़ा जो पेज है A4 है और A4 से थोड़ा हाइट में छोटा है होता है लेकिन साइड में थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, उसको लेटर बोला जाता है, LTR कहा जाता है। तो LTR को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो चलिए इस स्लॉट को आगे पीछे करके LTR को यहाँ पे पेज को सेट करते हैं। तो LTR को यहाँ पे बराबर यहाँ स्लॉट को आगे पीछे करके यहाँ सेट कर दिया। करने के बाद इसको अंदर कर दिया। करने के बाद यहाँ पे जो LTR है LTR को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। करने से स्टार्ट होगा फिर ओके हो जाएगा। तो ये LTR का भी प्रोग्राम डाल दिया गया है, ये मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो इसको करने के बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शन है दिखाई दे रहा है ट्रे LTR मतलब लेटर आर किसको कहा जाएगा। ये जो LTR पेज है LTR पेज का अगर इसे घुमा देते हैं तो ये LTR मतलब लेटर आर कहा जाएगा। तो इसको भी स्लॉट को आगे पीछे कर यहाँ पे पेज को सेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं जिससे कि ये जो है A4 से थोड़ा चौड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से स्लॉट को आगे पीछे कर यहाँ पे सेट करके यहाँ पे पेज को अंदर कर दिया और यहाँ पे सेंस ले लिया। सेंस जब ले लिया है तब यहाँ पे इसको LTR में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो ओके बटन है ओके बटन में ओके कर देना है। तो ओके कर दिया, ये ओके बन चुका है। मतलब चारों प्रोग्राम जितना सारा प्रोग्राम है यहाँ चार टाइप का पेज है फोर्थ टाइप का पेज को यहाँ प्रोग्राम डाल दिया मैनुअली।
मेलोडी डाल देने के बाद अब क्या करना है, इसको निकाल देना है पेज को। निकाल देने के बाद यहाँ पे जो है आपको रीसेट करना है, फिर रीसेट करना है। रीसेट करके यहाँ का जो स्विच है, एलसीडी का जो स्विच है, यहाँ के एलसीडी ऑफ कर देना है। तो एलसीडी को मैंने ऑफ कर दिया। अब 3 सेकेंड बाद या 3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाने के बाद ये जो मेन स्विच है यहाँ का, इस मशीन का मेन स्विच को ऑफ कर देना है। तो 3 सेकेंड बाद यहाँ ऑफ कर दिया। ऑफ कर देने के बाद मेन जो पावर है, मेन पावर को भी आपको ऑफ कर देना होगा। तो मैंने मेन पावर को भी ऑफ कर दिया। मेन पावर को ऑफ कर देने के 10 सेकेंड बाद, मतलब 10 सेकेंड बाद मशीन को ऑन करना है। 10 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 सेकेंड से पहले अगर आप करते हैं तो वो सेटिंग आपका बराबर नहीं सेट होगा, मतलब प्रोग्रामिंग नहीं बनेगा। तो ये 10 सेकेंड के बाद आप मशीन को ऑन कीजिए तो वो प्रोग्राम आपका बराबर आप जिस सेटिंग से सेटिंग किए हैं वो सेटिंग बन जाएगा। तो चलिए 10 सेकेंड हो जाने के बाद हम इस मशीन को फिर से ऑन करते हैं, करके देखते हैं कि आपका प्रोग्राम सेट हुआ कि नहीं। तो चलिए 10 सेकेंड हो जाने के बाद हम करते हैं। तो देखिए यहाँ अभी 10 सेकेंड हो चुका है। तो अभी मैं इस स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखते हैं वो हुआ है कि नहीं। तो यहाँ मेन पावर में ऑन किया, करने के बाद यहाँ पे जो मशीन का स्विच है, स्विच को ऑन कर दिया। ऑन कर देखे अब देखना है कि आपका वो जो प्रोग्रामिंग, वो जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो अब लगता नहीं है जो वो प्रॉब्लम रहेगा। तो चलिए हम एक फोटोकॉपी करके देखते हैं वो प्रॉब्लम रहता है कि नहीं। तो देखिए ये पेज जो है, इस पेज को हम इस हिसाब से A4 में करेंगे, A4 में करके देखेंगे वो हो रहा है कि नहीं। लेटर आर करके, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम रखा गया है, यहाँ पे A4 आर का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे LTR का ऑप्शन है। लेटर आर में ये होगा, तो लेटर आर से ही हम करके देंगे। वो पहले जो लेटर आर से करके अगर जो कर रहे थे उसमें साइड से भी कट जा रहा था, नीचे से भी कट जा रहा था, इस हिसाब से कट रहा था। तो अब देखते हैं इस हिसाब से कटता है कि नहीं। तो चलिए अब फोटोकॉपी करके देखते हैं इस हिसाब से पेज को कट जा रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करना है, A4R में सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद डन किया, डन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन में ओके करना है। करने के बाद देखते हैं कि पेज क्या लेता है। देखिए यहाँ पे अंदर में आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए पेज को काटा नहीं है, बिल्कुल क्लियरली आपका वो सेटिंग ले लिया है। मतलब सेटिंग करने का यही एक मेन चीज़ है, जो इस हिसाब से अगर आप सेटिंग करते हैं तो आपका सेटिंग बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं नए वीडियो डालते रहूँगा, जिससे कि आपका जितना सारा प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, अगले वीडियो डालने के लिए हम तैयारी करते हैं।